आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस। हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? 31 मार्च 2021 तक। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। एडेल ग्यू हुरून इंडिया प्रोपकार सूची 2020 में पहला स्थान किसे मिला है? अजीम प्रेमजी को। आई एम नो में मसीहा किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद। हाल ही में अभिनेता, फिल्म निर्माता और समाज सेवी सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा शीर्षक अपनी आत्मकथा बहुत जल्द जारी किए जाने की घोषणा की है। इस पुस्तक का वह सह लेख लेख लेखन मीना अय्यर द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान जाहिर की है? -8.9%। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष और सीईओ रेमंड डब्ल्यू है और रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर है। इससे पहले यह अनुमान -9.6 लगाया गया था। इसके अलावा मूडीज द्वारा कैलेंडर वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.1% के पहले अनुमान की तुलना में 8.6% की दर से बढ़ने के अनुमान जताया है। नेशनल आयुर्वेद डे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? 13 नवंबर को। साल 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया गया है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए दो आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेद के वृद्धि और विकास के में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद है। वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। 2020 का विषय है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रित समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? चीन ने। चीन कंट्री ईस्ट इंडिया में पड़ता है, ईस्ट एशिया में पड़ता है। करेंसी है रेमिनबी, कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पॉपुलेशन है 139.27 करोड़ 2018 के अनुसार। चीन के नए कानून का उद्देश्य देश में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए भी कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो 5वीं बार। मुंबई इंडियंस ने 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। हाल ही में किस राज्य में ने सरना
आदिवासियों को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने के लिए सरना संहिता पर एक प्रस्तावित पारित किया है। तो झारखंड, झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2020 2021 वर्ष 2021 की जनगणना में सरना आदिवासियों को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, पॉपुलेशन 3.19 करोड़। नवंबर 2020 में केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? 900 करोड़। इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेजी लाना है, हालांकि जल्दी से जल्दी यह टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। नोट, कोविड सुरक्षा मिशन के लिए लगभग 3,000 करोड़ की निधि की व्यवस्था की गई है। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया है। वे थे एक अभिनेता। आसिफ बसरा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी काम कर चुके हैं, जिसमें 1993 में मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात रिवर्स, परजानिया और कई पोचे फिल्म शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत और विदेश में कई अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू थिएटर प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्थान पर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर को लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण के मुंबई के मझगांव डॉक में। वगीर भारत में बनाई जा रही 6 कलरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी है। इस पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन किया गया है। यह 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। वगीर के का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। पहला वगीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। पहली बार वगीर पनडुब्बी रूस की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंचाई समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहरीन। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? चीन। हाँ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है? चेंग मेंग ने। विश्व नमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को। धन्यवाद।